सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने एक वीडियो जारी कर सनसनी फैला दी है। वीडियो में आयुष ने खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची गई है। वहीं आयुष के बड़े भाई विकास किशोर और विधायक जय देवी ने भी आयुष को फंसाने की बात कही है। उधर आयुष पर जिस चंदन गुप्ता नाम के शख्स को फंसाने का आरोप लगाया है, उसने भी एक वीडियो जारी किया है जो कि वायरल हो रहा है। ये उसकी जो उसके साथ घटना घटित हुई है 6-7 महीने में, उसने पूरी सच्चाई बताई है। उसके साथ जो इतने दिनों से हो रहा था, इतने महीनों से हो रहा था, उसने अपना पक्ष रखा है। उसने बोला भी है कि वो लखनऊ आ रहा है, तो वो आके बाकी का सारा बयान जो है पुलिस प्रशासन से और उनके बीच में सब कुछ करेगा। कहीं ना कहीं आयुष को पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। पूरी तरीके से उसको फंसाने का प्रयास किया गया, उसको जान से मारने की कोशिश की गई। वो अगर जो उसके साथ में ये घटना हुई है, जिस प्रकार उसका वीडियो वायरल हुआ, उसने बताया है कि वो अगर जो वहाँ से निकलता ना तो उसको घर में ही मार सकते थे। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से मेरे बेटे को उसने फंसाया। मेरे सांसद जी कोरोना में थे, हम लोग उसी में सारा घर लगे रहे, और मेरा बेटा आता था देख करके चला जाता था। तो मैंने कहा कहीं दोस्तों मित्रों के यहाँ रुकता था, मगर उस लड़की, मेरे बच्चे की 19 साल की उम्र है, उस लड़की की 25-26 साल की उम्र है। तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानते थे कि ये